आज हम स्टडी करने वाले हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ बोन मैरो, डेफिनेशन ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड देन टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड प्रिकॉशन। चलिए सबसे पहले जानते हैं बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो नाम से ही स्पष्ट है, ये बोन के सेंटर में पाए जाने वाला एक तरह का टिश्यू होता है। बोन मैरो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज रेड बोन मैरो एंड सेकेंड वन इज येलो बोन मैरो। बोन मैरो हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये एक तरह से फैक्ट्री का काम करता है जो हर रोज हमारे बॉडी में तकरीबन 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स को जनरेट करता है। बोन मैरो मोस्टली लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इन सारे बोन्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन सभी बोन्स में जो खाली स्पेस होता है वहीं पर ये स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्टेम सेल्स रेड ब्लड सेल्स को, WBC को, प्लेटलेट्स को बनाता है। सो नेक्स्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है। अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ प्रोसीजर टू रिप्लेस डैमेज्ड आर डिस्ट्रॉयड बोन मैरो विथ हेल्दी बोन मैरो स्टेम सेल। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें अगर व्यक्ति के शरीर में बोन मैरो डैमेज हो जाए या फिर बोन मैरो ठीक से काम ना करे, उस कंडीशन में न्यू बोन मैरो से इसे रिप्लेस किया जाता है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति इम्यूनोजेनिक डिसऑर्डर जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर बोन मैरो कैंसर हो उसको, तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या फिर हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। आगे हम जानते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है। जब हमारा बोन मैरो सेल्स या टिश्यू ठीक से फंक्शन ना कर रहे हों या फिर और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बोन मैरो न्यू ब्लड सेल्स को नहीं बना पाता, जो कि एक तरह का कैंसर भी होता है जैसे कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा, ये सारे कैंसर के प्रकार हैं। कई केसेस में कीमोथेरेपी की वजह से भी बोन मैरो को नुकसान पहुंचता है। एक और कंडीशन होता है जो कि है थैलेसीमिया, ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसके दौरान बॉडी में रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होने वाला हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस होने लगता है। ये सारे डिसऑर्डर हैं जिसके चलते बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फर्स्ट वन इज ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, सेकेंड वन इज एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के बारे में। ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट को अपनी ही बॉडी में से हेल्थी स्टेम सेल्स को डैमेज्ड स्टेम सेल से रिप्लेस किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है जिससे बोन मैरो में प्रेजेंट हेल्थी स्टेम सेल्स अपनी संख्या में ग्रोथ कर ले और यही मेडिसिन स्टेम सेल्स को ब्लड में मूव कराने लगती है। नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट के स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को एफेरेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले पेशेंट के दोनों आर्म में कैनूला इंसर्ट किया जाता है और फिर एक आर्म में से ब्लड को ले करके मशीन से पास कराया जाता है और ये मशीन ब्लड में प्रेजेंट स्टेम सेल को सेपरेट कर देता है एंड रिमेनिंग ब्लड को दूसरे आर्म से बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाता है। अब स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के बाद इसे प्रिजर्व करने के लिए रख लिया जाता है और उसे फ्रोजन फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी दिया जाता है या फिर रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है जिससे कि कैंसर सेल्स को किल किया जा सके। कैंसर सेल्स किल करने के बाद स्टोरेज किए हुए स्टेम सेल्स को वापिस पेशेंट के ब्लड में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। इस तरह से स्टेम सेल्स बोन मैरो में ट्रेवल करने लगता है और दोबारा न्यू एंड हेल्दी स्टेम सेल्स को जनरेट करने लगता है। तो दोस्तों ये हो गया ऑटोजेनिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट हम देखते हैं एलोजेनिक स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट के बारे में। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में पेशेंट के रिलेटिव या भाई बहन जो भी डोनर हैं उनके हेल्थी स्टेम सेल्स को निकाल कर रेसिपिएंट के डैमेज्ड स्टेम सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है।
एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने के लिए डोनर और रेसिपिएंट के ह्यूमन लीकोसाइट एंटीजन का मैच होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे बॉडी में 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हमारे WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। डोनर और रेसिपिएंट के जितने ज्यादा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच करते हैं, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है। इसके बाद डॉक्टर्स डोनर के ब्लड से स्टेम सेल्स को एफेरिसिस के जरिए से कलेक्ट कर लेते हैं। एफेरिसिस के बारे में मैंने होमोलोगस ट्रांसप्लांट में पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। अगर स्टेम सेल्स को डायरेक्ट बोन मैरो से कलेक्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोन मैरो हार्वेस्ट कहा जाता है। इस दौरान डॉक्टर्स डोनर के हिप बोन या स्टर्नम में नीडल की सहायता से स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। डोनर को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है जिससे कि उसे पेन फील ना हो। स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के बाद उसे फ्रोजन स्टोरेज में रखा जाता है। देन रेसिपिएंट की बॉडी को हाईली कीमोथेरेपी डोज दिया जाता है ताकि कैंसर सेल्स को किल किया जा सके। देन नेक्स्ट स्टेज में डॉक्टर्स कैथेटर के थ्रू रेसिपिएंट के ब्लड में स्टेम सेल्स को इन्फ्यूज कर देते हैं और ये फिर से नया हेल्दी स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करने लगता है बोन मैरो में पहुँच कर। इस तरह से एलोजेनिक ट्रांसप्लांट को परफॉर्म किया जाता है। सो नेक्स्ट है प्रिकॉशन या फिर सावधानियाँ। आफ्टर ट्रांसप्लांट पेशेंट को क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है। पेशेंट को 3 मंथ तक मेडिसिन लेना होता है। साफ सुथरे जगह पे उसे रहना होता है। क्राउड वाले जगहों से उसे दूर रहना होता है क्योंकि इसके चलते उसे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ सकते हैं। एंड पेशेंट को टोटली बेड रेस्ट पे रखा जाता है। कुछ कंडीशन जैसे कि थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया है तो मेडिसिन को 1 ईयर तक कंटिन्यू रखना पड़ता है। देन पूरी तरह से ठीक होने के बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफस्टाइल सर्वाइव कर सकता है। तो दोस्तों ये रही बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में पूरी जानकारी। ये एक प्रोसीजर है, ये कोई सर्जरी नहीं होती। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसीजर होता है, उसी तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक प्रोसीजर है। पहले इस प्रोसीजर का खर्चा लाखों में आता था, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण से किसी भी कैंसर पेशेंट को आसानी से अवेलेबल हो सकता है।